नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल में, हूं गोपाल झा। कहते हैं कि लोकतंत्र को अगर सही तरीके से चलाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर सही तरीके से संचालित करनी है, तो आपको सत्ता पक्ष के साथ एक मजबूत विपक्ष की जरूरत पड़ती है। लेकिन देश में इन दिनों तकरीबन 3-4 साल से अगर हम देखें तो देश में विपक्ष का अभाव देखा जा रहा है। अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वाली पार्टियों की जो प्रतिनिधि है उनकी बात करें तो विपक्ष विहीन देश हो गया है एक तरह से। लेकिन इसके बावजूद कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो गाहे बगाहे जो सत्ता पक्ष की जो कमियां है उसको इंगित करते हुए धरने प्रदर्शन का दौर जारी रखती हैं। उसमें माकपा का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। माकपा ने इस प्रचंड गर्मी में भी सरकार को आंखें दिखाई है। आज हनुमानगढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें काफी संख्या में लोग आए थे। भले ही 45 डिग्री तापमान क्रॉस कर रहा था टेम्परेचर, लेकिन फिर भी लोगों का जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था। माकपा के जो राज्य कमान सौंपी गई है कॉमरेड अमराराम को, जो पूर्व विधायक हैं दातारामगढ़ से, वो आज रूबरू हैं, हमारे मेहमान भी हैं। तो सबसे पहले तो अमराराम जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। काफी अरसे बाद आप इस कार्यक्रम में आए हैं। जब आप पिछली बार आए थे तो उस समय प्रदेश में गहलोत जी का राज था, कांग्रेस का राज था। 3 साल बाद जब आए हैं तो वसुंधरा जी का राज है। आप लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों? पहली बात तो जान साहब आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि देश में जिस तरह की नीतियों को लेकर के 90 के बाद देश और प्रदेश में जो नीतियों को लागू किया गया उसमें कोई भी पार्टी की राज सत्ता में रही हो, लेकिन उससे आम जनता में, चाहे किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी में असंतोष बढ़ा है। किसान जो देश का अन्नदाता है वो उन नीतियों के कारण कर्जे में दबकर आत्महत्या कर रहा है। बेरोजगारी की लाइन भयंकर रूप से आगे बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ आम जनता महंगाई से लूट रही है और दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मालामाल हो गई और उसी का नतीजा है कि दुनिया में जिस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का लंबरदार जो अमेरिका था वो आज जिस तरह से दर्जनों बैंक दिवालिया घोषित हुए हैं और जिस आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर राज उसी अमेरिका जो इस पूरी दुनिया के उस एक डंडे से आंकना चाहता था, ये तो गनीमत है कि इस देश में सार्वजनिक वित्त व्यवस्था, बैंक 93% बैंक, LIC जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में थी। लेकिन अभी जो पूरे देश की सरकार है वो हर क्षेत्र में जो इस देश की मेहनत कश जनता के खून पसीने की कमाई से, टैक्स से जो सार्वजनिक उपक्रम खड़े हैं उनका पूरा का पूरा विनिवेश करके करोड़ों की संपत्तियां कोडियों में देशी और विदेशी कंपनियों को देने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी नरेंद्र मोदी सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और वो इस झूठ के आधार पे लोगों को बेवकूफ बना करके, चाहे अच्छे दिनों का सवाल हो, चाहे किसान को लागत का 1.5 गुनी हो, या देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में जमा काला धन जो 70 साल में है उसको वापस लाके हर देशवासी के खाते में 15 लाख देने का सवाल हो, 2 करोड़ लोगों को हर साल काम देने का काम हो, एक भी वायदा पूरा करने की बजाय फिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस 3 साल की वर्षगांठ को 900 सभाएं करके फिर एक दफा जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि देश की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, क्योंकि वो परिस्थितियां जिस समय यूपीए सेकेंड ने जिस तरह के घोटाले किए और बड़ी बड़ी कंपनियां, देशी और विदेशी कंपनियों को जो लूटने की छूट मनमोहन सिंह से भी बढ़ करके गुजरात में जो नरेंद्र मोदी ने दी थी, निश्चित रूप से उस पर अब आप लोग क्या कर रहे हैं, माकपा क्या कर रही है? माकपा पूरे इस मई के आखिरी पखवाड़े में 15 तारीख से लेकर 30-31 तारीख तक पूरे देश में उन वायदों को याद गिराएगी, देश के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे, नीचे के स्तर पे जो जो समस्याएं नीतियों से बढ़ रही है। आज आप देखिए जहां किसान की पूरी समस्याओं का समाधान हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इस देश के किसान की सब समस्याओं का समाधान होगा, एक फसल के लिए, केवल रबी की फसल के लिए 21,500 करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा कंपनियों के यहां जमा हुआ है और केवल 700 करोड़ रुपया, 21,500 करोड़ में से मुआवजा दिया गया है, क्लेम दिया गया है 700 करोड़।
मतलब सीधे सीधे आप बताइए कि 20-25 हजार करोड़ रुपए वो कंपनियों को लूटने का, जो ये वायदा किया जा रहा था कि किसान की फसल नष्ट होगी तो उसको एक महीने के अंदर उसका क्लेम दे दिया जाएगा। तो इसलिए आज जो हमने हनुमानगढ़ में उसी जो राष्ट्रीय आह्वान है उसके तहत 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर के जो राशन, जिसके खाद्य सुरक्षा में जिनके नाम है, एक एक पंचायत में 500-500 लोगों को हटाया जा रहा है, जो राशन है लोगों के नाम से 6-6 महीने का उठा करके पूरे प्रदेश में देश में उसका उठाकर राशन डीलर और अधिकारी मिलकर के उठा के खा रहे हैं, पानी होते हुए पानी नहीं दिया जा रहा है, मतलब किस तरह से तबाही की जा सकती है। नरेगा का कानून 100 दिन का काम देने का संवैधानिक अधिकार है, देश का कानून बना हुआ, उसके बाद में भी नहीं दिया जा रहा है, अगर काम दिया जाता है तो उसकी मजदूरी नहीं दी जाती। इस तरह से तमाम जो जनता के भिन्न भिन्न हिस्से हैं, हर संभाग या आपके सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे देश की आजादी के 70 साल बाद में भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है, निजी महाविद्यालय का मतलब है कि 70% आबादी जो किसान मजदूर मेहनत कर सब अपना बच्ची और बच्चे को प्राइवेट शिक्षण संस्था में नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सरकार तो आज कह रही है कि प्राइवेट शिक्षा है, प्राइवेट इलाज आप कराइए, बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार हो, मतलब भाजपा जश्न मना रही है और माकपा विरोध कर रही है, विरोध उनकी जो वायदे किए वो याद दिला रहे हैं, जो वायदों से उल्टा कर रहे हैं, जो बोनस मिलता था राजस्थान में भी, किसान अगर कणक 1 क्विंटल भी अपने खेत में पैदा करके बेचता था तो समर्थन मूल्य से 150 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से उसको सब्सिडी मिलती थी, आज वो मोदी आने के बाद समाप्त कर दी। अभी सरसों जिसका डेडी कीमत लागत का देना तो दूर रहा, 3700 रुपया पर क्विंटल से MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब इससे नीचे बिकेगी तो सरकार खरीदेगी, लेकिन 1 क्विंटल 1 किलो भी राजस्थान में सरसों, जो इस देश में जितनी सरसों होती है उसकी आधी से ज्यादा सरसों राजस्थान में होती है, लेकिन 1 किलो भी नहीं खरीदा, और उसका नतीजा है कि 500 से 600 रुपये 3000-2100 रुपये में सरसों बाजार में बेचनी पड़ी है। और वो इसलिए है कि मोदी सरकार आने के बाद उसने कह दिया MSP पे खरीद पे जितना भी खर्चा होगा वो तमाम खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार राजस्थान की उसी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसने कह दिया कि हम वहन नहीं कर सकते, मूंगफली की खरीद नहीं हुई, जबकि इस देश की सरकार में हमारा वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में घोषणा कर दी कि समर्थन मूल्य पे मूंगफली खरीदी जाएगी, उसके बाद नहीं खरीदी गई, सरसों नहीं खरीदी गई। तो ये सब मतलब किस तरह से किसान को मारा जाए, अब उसका गाय। मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपने कहा कि भाजपा की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या वसुंधरा जी की सरकार स्टेट में, दोनों ही सरकार आपके हिसाब से मनमानी कर रही है, लेकिन फिर भी लगता है जो देश का जो मिजाज है, सियासी मिजाज जिसको हम कहते हैं, वो मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसे दौर में माकपा का क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको? माकपा निश्चित रूप से जनता की लड़ाई लड़ रही है, और आप जो कह रहे हैं कि मोदी का नहीं है, अभी जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उसमें 5ों में जो भी शासक दल था वो आ रहा है, सत्ता के खिलाफ लहर थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी और मोदी लहर की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी गोवा में उनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब में सरकार तो दोबारा बना ही ली उन्होंने, नहीं बना ली, वो कैसे बनाई वो आप जानते हैं और हम जानते हैं, लेकिन उनकी सरकार को हराने का काम किया है, जो देश का रक्षा मंत्री था वापिस जाकर के चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा, और किस तरह से खरीद फरोस से किया, मतलब 40 में से 17 कांग्रेस के थे, 3 ही कम थे, उन्होंने सरकार नहीं बनाई और 12 वाला उन्होंने सरकार बनाई, तो आप पावर में है, सत्ता में, इसीलिए वो बना सकते नहीं हैं। जो लेकिन कहते थे कि हम सबसे अलग हैं, वो तो नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब में उनकी सांझा सरकार थी, वो परास्त होने का काम किया है, UP में सपा की सरकार थी, वो परास्त होने का, उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है, ये नहीं है, इन नीतियों से जो नीतियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, माकपा का क्या भविष्य नजर आ रहा है? निश्चित रूप से माकपा इन जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करता है, आप देखेंगे कि राजस्थान में चाहे वो पानी का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, या किसान का, मजदूर का कोई सवाल हो, उसको अपोजिशन के रूप में लड़ने में, सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ने की कोई पार्टी रही है तो वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी रही है, और वो आज भी बंगाल में भी जिस तरह से आज से 4 दिन पहले
4 लाख किसानों को लेकर के वहां की सरकार की किसान विरोधी नीतियां, जिस बंगाल में किसान ने पिछले 7 साल पहले एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की थी और कुछ उत्पादनों में जैसे आलू के उत्पादन में देश में पहला नंबर प्राप्त किया था, उस बंगाल में भी किसान आज आत्महत्या करते हैं। चलिए हम राजस्थान की बात करेंगे आपसे, क्योंकि राजस्थान में माकपा की कमान आपके हाथ में है, राज्य के सुप्रीमो हैं आप और अगले साल चुनाव होने वाला है। भाजपा की तैयारी शुरू हो चुकी है, कांग्रेस भी लगता है अब धीरे धीरे सुस्ती उसकी दूर हो रही है और शायद वो तैयारी शुरू कर दे। माकपा का क्या कार्यक्रम है चुनाव को लेकर? माकपा निश्चित रूप से हमेशा प्रेजेंट रही है और 1 से 3 भी थे पिछली विधानसभा में, इसी विधानसभा में आप सुनने रहा है। राजस्थान की जनता ने महसूस किया कि हमारी बात, मेहनत कश जो किसान मजदूर आम आवाम है, उसने ये महसूस किया है कि हमारी बात करने वाला राजस्थान की विधानसभा में कोई भी नहीं है। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने संसाधनों से पूरी इस तैयारी में है और आने वाले 1.5 साल के बाद जो चुनाव होगा, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस राजस्थान की जनता परास्त करने का काम करेगी। और जो घर बैठे हुए कांग्रेस ये महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जितने दमन करेगी वो कांग्रेस आएगी, मैं समझता हूँ ये उत्तर बिका की घोड़ी राजस्थान में नहीं होगी, न किसी को भी बहुमत मिलेगा। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कोशिश करेगी ऐसे तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों को साथ लेकर के एक मोर्चा बनाने की भी कोशिश करेगी और अपने ताकत पे भी चुनावों के मैदान में जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो 1 से 3 हुए थे उससे आगे बढ़ने का काम आने वाले नवम्बर 2018 के चुनाव, यानी एक थर्ड फ्रंट की बात फिर होने लगी है निश्चित रूप से जो इन नीतियों के खिलाफ। ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब चुनाव की तैयारी होती है तो चुनाव से पहले ही थर्ड फ्रंट की बात शुरू हो जाती है, लेकिन चुनाव आते आते वो सारा जो पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल बुलबुले की तरह उठती है आवाज और फिर शांत हो जाता है सब कुछ, ऐसा क्यों होता है? राजस्थान में ऐसा है कि अभी थर्ड फ्रंट हो जाए और मैं नहीं मानता कि आज की तारीख में भी 200 सीटों पे अल्टरनेट हो जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले जो भी हैं, क्योंकि आज जो असंतोष बढ़ रहा है उसको धर्म के आधार पे, गाय के आधार पे जो बांटने की कोशिश की जा रही है, बाकी जो जिंदगी के सवाल हैं उनको अदृश्य करके ऐसे जो सवाल नहीं है उन पे जो डिबेट की जा रही है, निश्चित रूप से ऐसे लोग, ऐसी ताकत, उसको हम इकट्ठा करने की कोशिश। किन किन लोगों से आपकी बात चल रही है, किन किन लोगों से उम्मीद है आपको कि थर्ड फ्रंट में शामिल होकर कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ जा सकते हैं आप लोग? भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ, इन नीतियों के खिलाफ जो जितने भी लड़ने वाले हैं, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो व्यक्ति हो सकते हैं, वो दल हो सकते हैं, जनता दल सेकुलर हो सकता है, सपा हो सकता है। कुछ खुलासा हम चाहते हैं, कुछ खुलासा करिए आप। हमारी कोशिश होगी निश्चित रूप से, अभी यूपी के चुनाव के बाद में बसपा ने भी अपना स्टैंड लिया है कि अब हम मिलकर के चुनाव लड़ने की टैक्टिक्स करेंगे। महागठबंधन की बात हो रही है वहाँ बिहार की तर्ज पर, बिहार की तर्ज पे बिहार एक अलग है, लेकिन निश्चित रूप से जो बसपा जब से मायावती के नेतृत्व में बनी है उससे चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं किया। तो राजस्थान में बसपा के साथ आपकी वार्ता शुरू हो चुकी है या होने वाली है? बात की है, उन्होंने कहा कि हम चर्चा करेंगे, हमारी लगातार कोशिश रहेगी। इसके साथ साथ हम जिस जनता की समस्याओं को लेकर के लड़ने का सवाल है, मैं समझता हूँ कोई इस गर्मी में भी सर्दी में भी लड़ने वाला कोई है। राजस्थान में किसान की बिजली की दरें 2005 में नहीं, हम बीच में आप सवाल दूसरा, लेकिन वही सवाल फिर है कि किरोड़ी लाल मीणा भी भाजपा में जाने के लिए तैयार हैं, इस तरह की चर्चा हो रही है। हनुमान बेनीवाल जो सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं विधानसभा में, हालांकि अभी तो उनको 1 साल के निलंबित भी कर दिया है, लेकिन फिर भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की भाजपा में वापसी संभव है, जबकि लोग मुख्यमंत्री के ध्रुव विरोधी हैं वसुंधरा जी के, लेकिन फिर भी इस तरह की चाहला कि हनुमान जी ने तो बिल्कुल कह दिया कि मैं भाजपा में वापसी कोई संभावना ही नहीं है, तो क्या हनुमान बेनीवाल हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, इस तरह के जो नेता हैं उनसे वार्ता भी चल रही है क्या? अभी ऐसे लोगों से निश्चित रूप से जो जो चुनाव नजदीक आएगा, सरकार किरोड़ी लाल जी अंदर भी जाएंगे तो अंदर वाले कई बार भी तो आएंगे। अच्छा बहुत से लोग ऐसे है वो बाहर आ सकते हैं, आप कि उनके साथ जिस तरह का आप लोगों को उम्मीद है कि वो बाहर आ जाएंगे? भाई जिस तरह से राजस्थान की सरकार चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो वसुंधरा की सरकार है और वो राजशाही से जिस तरह का व्यवहार कर रही है। तिवारी जी भी यही कह रहे हैं? तिवारी जी नहीं कह रहे हैं, मतलब उनके कैबिनेट के मिनिस्टर, उनके 160 विधायक हैं, उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। इससे ज्यादा जनतंत्र में
हो सकता है उनका जन्म राजघराने में हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री राजघराने के कारण नहीं है, वो वोट से चुन के आई है और वोट में अपने पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों से अगर नहीं मिले तो इससे ज्यादा राजशाही और क्या होगी। मैं समझता हूँ वो उनका अंदरूनी मामला है, किसको कैबिनेट में बनाया। चलिए, बीकानेर संभाग से क्या उम्मीद है माकपा को, ये हमें बता दीजिए। बीकानेर संभाग के जो चारों जिले हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ जो पानी का सवाल सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ की जिंदगी पानी पे जुड़ी हुई है और तीनों जो प्रोजेक्ट है उनके लिए लड़ाई लड़ करके किसान की और इस इलाके को आबाद रखने के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है तो केवल वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। और अब तो न केवल राजस्थान कैनाल बल्कि बागड़ा गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल तीनों में जो संघर्ष हुआ है, जो यहाँ के, मैं समझता हूँ कि पहले गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर के लोगों को एक तकलीफ रहती थी कि जब भी राजस्थान की सरकार भाजपा और कांग्रेस की बनती है तो सिंचाई मंत्री ऐसे जगह से बनाया जाता है जहाँ सिंचाई होती नहीं है। लेकिन पहली बार मुझे तो बड़ा अफसोस है कि उस इलाके का एक प्रतिनिधि को राजस्थान का सिंचाई मंत्री है, उसके बाद में भी जिस तरह की व्यवहार वो कर रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा। वो तो कह रहे हैं कि नेहरू की जो जर्जर स्थिति थी उसको हमने सुधारा है, रिकॉर्ड काम किया है। रिकॉर्ड हालत ये है कि वो एक दिन पहले कहते हैं कि बागड़ा में पानी है ही नहीं और हम नहीं दे सकते, और दूसरे दिन जनता जब वो घेरती है उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को घेरती है, दूसरे दिन पानी मिल जाता है। गंग कैनाल में जब गंग कैनाल का किसान गंगानगर के जिला कलेक्टर को घेरते हैं तो पानी मिल जाता है, 38 करोड़ रुपए का चेक भी मिल जाता है और गेट भी ठीक हो जाते हैं। उससे पहले भी मंत्री डॉक्टर साहब भी थे, लेकिन 38 करोड़ रुपया डॉक्टर साहब की मंत्री होते हुए हिम्मत नहीं है कि उनके गेट को रिपेयर करने के लिए 38 करोड़ रुपए दे दें, जबकि आज से ठीक 7 साल पहले पूरी कमेटी जिसमें मैं भी मेम्बर था, ये गुलाब चंद जी कटारिया जिसके चेयर, हाँ, विधानसभा लेखा समिति की लेखा समिति उसमें भी आप आए थे, उन गेटों के लिए उस समय भी रिकमेंड की गई कांग्रेस की गवर्नमेंट के वक्त की गई। उसके बाद में 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, न केवल गेट बल्कि आउटलेट जो है वो 11,500 क्यूसिक का ही आउटलेट है और हमारी नहर है 14,700। बीकानेर संभाग में पानी पर सारा खेल है, पानी पे है, किसान की खरीद पे है, आवारा पशुओं। चलिए, एटा सिंगरासर माइनर का जो मामला चल रहा है अभी, उसमें माकपा की क्या भूमिका है उसमें? एटा सिंगरासर में कांग्रेस और भाजपा ने तो एटा सिंगरासर के जितने गांव 56 गांव हैं उनको धोखा देने का काम कांग्रेस और भाजपा ने किया है और इस धोखाधड़ी को सामने लाने का काम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। वहां की जनता लगातार पिछले 1.5 साल से लड़ रही है। मैं समझता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी ये तो दावा नहीं करती कि सरकार को ये कर देगी वो कर देगी, लेकिन असलियत से वहाँ के 56 गांव के लोगों को एकजुट करने का काम किया है, एकजुट करने का और असलियत पहचानने का, जो सरकार लिख करके दिया था, जो इरिगेशन सेक्रेटरी ने ये लिख के दिया कि ये कमेटी बना रहे हैं, पानी होगा तो सबसे पहले इटरा सिंगरासर बनेगी। अब पानी भी आ गया, कमेटी बनाई, उसने कह दिया कि ये गेट ठीक करने से इतना सरप्लस पानी हुआ और अब मंत्री कहता है कि एटा सिंगरासर नहीं बनेगी। नहीं, मंत्री ने ये भी कहा है कि पंजाब से अगर अपने हिस्से का अनुरूप पानी मिल जाता है तो निश्चित रूप से वहां पे हम पानी देंगे, लेकिन जो पहले हमारे लिए जरूरी है कि जो IGLP के क्षेत्र के जो कमांड एरिया है वहां पर पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। पानी अगर बच गया तो निश्चित रूप से वो करेंगे, क्योंकि हिस्से के अनुरूप तो हम पानी ले नहीं पा रहे हैं पंजाब से। नहीं, वो भी ले लें, आज देश में सरकार उनकी है, डॉक्टर साहब ये नहीं कह सकते कि जो 0.6 ml पानी है वो आज देश की सरकार उनकी है, प्रदेश में सरकार उनकी है। पंजाब से सरकार निकल गई उनकी, जब ये जब तीनों आकर बिल्कुल ये जो कहते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी तब तो ये लोग नहीं कर पाए, अब तो कैसे? लेकिन 6 महीने पहले वहां भी सरकार उनकी बिल्कुल थी, 6 महीने पहले तीनों जगह उनकी सरकार थी, यही मंत्री थे डॉक्टर साहब, जब वो पानी नहीं ले पाए और पानी लेने की नहीं है नीयत, पानी है उनको तबाह करने की नीयत है, मतलब पानी होते हुए नहीं देने का मतलब क्या है कि किसान को तबाह करना। चलिए, कुछ संगठन की बात कर लेते हैं कि हनुमानगढ़ में माकपा के 2 वरिष्ठ नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और विशेष रूप से जो जिस गांव में आपकी पहचान रही, शोपत सिंह कहते नाम ही कहते मक्कासर का मतलब शोपत सिंह मक्कासर,
और जब उनके परिवार के लोग जब पार्टी को अलविदा कह देते हैं तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत तो है माकपा में, कहां दिक्कत है? ऐसा जिनको आप माकपा कह रहे हो, उन्होंने माकपा ने आज से 3.5 साल पहले पार्टी से विदा कर दिया था और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण। इसलिए माकपा के लोगों ने आप पार्टी ज्वाइन कर ली हो और आप पार्टी का जिस तरह से हो रही है, मैं नहीं कहता कि उनका क्या भविष्य होगा वो जाने, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको आज से ठीक 3.5 साल पहले पार्टी के विरुद्ध गैर पार्टी आचरण करने के कारण पार्टी से निकाल दिया था। इसलिए हमने तो निकाल दिया था, वो आप में जाए घोषणा तो नहीं हुई पहले, लोग तो यही समझ रहे बहुत पहले, ऐसी बात नहीं है। दोनों को हमने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाल दिया गया। अब क्या रहेगी रणनीति माकपा की विधानसभा चुनाव में? माकपा लड़ेगी और माकपा हनुमानगढ़ में तो बादरा में नेक्स्ट रही है, सेकंड रही है बिल्कुल, और बाकी जगह भी लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि जनता की आवाज कोई उठा सकता है। आपने एक बात कही, माकपा के दो कार्यकर्ताओं को जो वरिष्ठ नेता है यहाँ के, उनको आप पार्टी ने निकाल दिया। सवाल यह है कि माकपा तो कभी सत्ता में रही नहीं, तो फिर भी आपस में इतनी कलह क्यों होती है? ऐसा कि कुछ लोग सत्ता का सवाल नहीं है, कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी में कहते हैं कि जहां पर पावर है जहां पर वहीं पर झगड़े ज्यादा हैं, जहां कुछ इस तरह की सत्ता वाली कोई बात नहीं है वहां पर किस तरह के झगड़े होते हैं? सत्ता नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में भी बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं जो बहुत जल्दी MLA बनना चाहते हैं। अच्छा ये नेता ही नहीं, इससे पहले भी आप अगर सरदार सर से देखेंगे तो हमारी पार्टी के विद्यार्थी जीवन से रहे हैं। चलिए एक हम आपसे बात कर लेते हैं, तो दातारामगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, वो बोध विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 1952 में भैरव सिंह जी चुनाव जीतते हैं, उसके बाद कई लोग चुनाव जीत और वहां से अमरा राम जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के वो भी जीत जाते हैं, तो कहां तो भैरव सिंह जी और कहां पर माकपा प्रत्याशी के रूप में आप, तो ये राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है वो सीट आपके लिए? वो बहुत महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से। भैरव सिंह जी पहला चुनाव वहां से लड़े, उसके बाद में उस नहीं आए, लड़ने के लिए नहीं आए, उसके बाद निर्दलीय वहां के मदन सिंह दाता भी रहे, नारायण सिंह जी भी 7वीं बार विधायक है, मैं भी जब दो जहां से मैं 3 बार विधायक रहा उसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के काट छांट करके रिजर्व किया, और जब दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा कांग्रेस और भाजपा ने, शायद आपको आश्चर्य होगा उस दौर में विधानसभा पंचायत राज कांग्रेस और भाजपा मिलकर लड़ती रही और उसके बाद में भी नहीं हरा पाई माकपा को, तो उसके बाद में उन्होंने पुनर्गठन के वक्त जोर सांट करके रिजर्व करने का काम किया, वो इसलिए किया कि माकपा का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में नहीं होना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो विधानसभा का घेराव होता है, बीजेपी की सरकार होती है तो 8 दिन का मापड़ाव करके सरकार को झुकाया जाता है, रावड़ा गरसाना जैसे आंदोलन करके सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से जब रिजर्व किया गया तो मैं दातारामगढ़ से चुनाव लड़ा और पहली बार चुनाव लड़ करके जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के विधानसभा में भेजा, और विधानसभा में मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 5 साल में जितनी वहाँ की समस्याओं को मैंने विधानसभा के पटल पर रखा और सरकार को भी मजबूर किया, वर्तमान विधायक जो 7 दफे रहे हैं शायद वो विधायक हैं जो 3.5 साल में एक शब्द भी राजस्थान की विधानसभा में नहीं बोल पाए। आज भी पीने के पानी की दूसरी बड़ी समस्या है, आज भी वो दातारामगढ़ जिससे पहली बार जीत करके फिर राजस्थान के 3 दफे चीफ मिनिस्टर भी बने और वो उपराष्ट्रपति भी बने, लेकिन वो सब डिविजनल हेडक्वार्टर पर आज भी सरकारी कॉलेज नहीं है। अब चूंकि आप वहां चुनाव लड़ नहीं सकते, रिजर्वेशन की बात है, लेकिन अब अगला पड़ाव कहां से है आपका फिर? निश्चित रूप से जहां से भी पार्टी मुझे आदेश दे, क्योंकि अब मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नहीं हूं, राजस्थान की कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी राज्य सचिव हैं आप, तो बिल्कुल, तो निश्चित रूप से पीपी जहां भी से भी आदेश देगी निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। आपकी नजर में कौन सी सीट है? अगर सरकार पार्टी अगर इजाजत देगी तो उस दातारामगढ़ में पुनः लड़ करके वहां की जो समस्याएं हैं जिनके पेयजल की है शिक्षा की है उन समस्याओं के समाधान के लिए, और निश्चित रूप से अभी 2017 में फिर भी बिजली की रेटें वापस करा करके जनता को जो सबल दिया है आने वाले, अगर पार्टी इजाजत देगी तो वहां से। चलिए चूंकि आप संघर्ष करने वाले लोग हैं, लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं,
इसी लोकतंत्र की विसंगतियों को भी आप ज्यादा जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं आप, कि अभी जो माहौल चल रहा है देश में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में वसुंधरा जी की सरकार है, लेकिन दोनों सरकारों के सामने जो स्थिति है कि उधर संसद में भी विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि विपक्ष बहुत छोटा है वहां पर, हालांकि पहले भी खूब छोटा हुआ, लेकिन आज जो परिस्थिति है, और राजस्थान की बात करें तो विपक्ष नजर ही नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष की भूमिका नजर कहाँ आएगी? सदन में तो आपकी जगह है नहीं, सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे उतरने में सबको भय लगता है। अब अगर कांग्रेस की बात आप खुद बता रहे थे, कांग्रेस सारे तीन साल में बोलने की स्थिति में नहीं रही, जो उसको मुख्य विपक्ष का दावा करती है कांग्रेस, लेकिन इस तरह से हुआ नहीं। तो अब अगर लोकतंत्र में विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर तो सत्ता की मनमानी लोग झेलने के लिए मजबूर रहेंगे। नहीं, विपक्ष हो सकता है पार्लियामेंट और असेंबली में इस लायक नहीं हो, लेकिन आप अगर देश का इतिहास देखेंगे तो 1984 में इससे भी कमजोर था विपक्ष। बिल्कुल, राजीव गांधी जब आए थे, राजीव गांधी 420 सीटें लेके आया, और उसके बाद 30 साल तक तो 400 से ज्यादा सीटें लेने वाली कांग्रेस 272 नहीं ले पाई। तो जरूरी नहीं है कि वो प्रतिबिंब सदन के अंदर हो, क्योंकि अंदर तो इतना कमजोर है। बाप, राजस्थान की विधानसभा 3 दिन के लिए चली और मुख्य विपक्षी दल है उसके 11 सदस्यों को 1 साल के लिए निलंबन किया, और 1.5 घंटे के बाद में कांग्रेस ने माफी मांग करके अपना निलंबन वापस करवा लिया। तो आप अंदाजा कीजिए, जो अपोजिशन में है, जो कोई आवाज उठाता है और वो सत्ता पक्ष से संख्या बल पे अगर उसको 1 साल के लिए निलंबित करता है और 1.5 घंटे के बाद में माफी मांग करके वापस रिवोक कराते हैं, तो आप अंदाजा कीजिए किस तरह से लड़ेंगे। मैं भी कई दफा हुआ हूँ, 3-3, 4-4 महीने के लिए भी हुआ हूँ, और घोषणा करके, क्योंकि अपोजिशन का मतलब है जनता की आवाज उठाना। इसलिए आपकी बात ये सही है कि पार्लियामेंट और असेंबली में विपक्ष नाम की चीज नहीं है, लेकिन जनता में जो गुस्सा है मैं समझता हूँ वो विपक्ष का निर्माण करेगा, और वो केवल संघर्षों से होगा। केवल भाजपा कहती है कि कांग्रेस के राज्य में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले थे, आज 3 साल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला उजागर नहीं हुआ, आप क्या कहते हैं? बहुत बड़े हुए हैं, मतलब व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, हमारी मुख्यमंत्री ललित मोदी के मामले में, राजस्थान में जितने घोटाले, खान घोटाला, चिकित्सा में घोटाला, जलदाय में घोटाला, ये घोटाले नहीं मानते आप, भाजपा नहीं मानेगी, कांग्रेस भी नहीं मानती थी, कांग्रेस भी कहती थी केवल ये कैलकुलेशन है, 1,86,000 करोड़ का केवल कैलकुलेशन है, घोटाला नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी व्यापम, जिसमें उसमें तो गवाहों को ही मार दिया गया, अलग ही मामला था। बिल्कुल, मोदी जी कहते तो ये थे कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और हमारी मुख्यमंत्री ललित मोदी जो विदेश में गया उसके लिए सर्टिफिकेट देती है, बाकी जो उसकी घरवाली के लिए देती है, बाकी इस राजस्थान की महिलाएं कैंसर से पीड़ित होती है उनके लिए मानवता उनके नहीं आती है, राजस्थान में पुलिस में, खान में, स्वास्थ्य में, पेयजल में, जिस तरह के घोटाले हुए हैं, मैं समझता हूँ पिछले 25 साल मैंने कभी इस तरह के उच्च स्तर पे, मंत्रियों के स्तर पे, सेक्रेटरी के स्तर पे इस तरह के घोटाले नहीं देखे। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री के 273 करोड़ रुपए की माइनिंग की पेनल्टी माफ की जाती है, 273 करोड़ रुपए एक व्यक्ति की सरकारी देनदारियों को माफ किया जाता है। मैं समझता हूँ 273 करोड़ रुपए अगर हनुमानगढ़ के तमाम किसानों का कर्जा माफ किया जाए तो सबका कर्जा माफ हो जाएगा, उसके लिए चिंतित नहीं है कांग्रेस के नेता को 273 करोड़ रुपए बचाने के लिए। इसलिए अपोजिशन है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो संघर्ष, जो आम जनता के खिलाफ और कंपनियों के पक्ष की जो नीतियां हो रही थी, जो कंपनियां मालामाल और जनता बेहाल है, निश्चित रूप से संघर्षों के माध्यम से अपोजिशन निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि 2018 के चुनाव में जो सशक्त विपक्ष निकलेगा, पहली बात तो सरकारी, मैं समझता हूँ ऐसे लोग संघर्षशील होंगे, राजस्थान की सरकार की लगाम उनके हाथ में होगी, और लगाम भी नहीं होगी तो अपोजिशन इतना सशक्त होगा कि सरकार के मनोबल के रूप में, चरित्र के रूप में, कि उन सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेगा। मनरेगा की बात कर लेते हैं जाते जाते लास्ट में, कि मनरेगा को लेकर खूब सारे सवाल उठते रहे और आज से नहीं उठ रहे, कई साल से उठ रहे हैं। मोदी जी ने भी सदन में ये बात कही थी,
भाषणों में ये बात कहा कि भाई ये मनरेगा जो है ना बिल्कुल गड्ढा है, हम अपने आर्थिक नुकसान कर रहे हैं वहाँ पर। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई ये स्थिति है, मनरेगा को और बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? नहीं, मनरेगा गड्ढा नहीं है। असल बात यह है कि मनरेगा को आप किस रूप में लागू करते हैं। मनरेगा काम का अधिकार जो ग्रामीण परिवार को गलत नहीं है, हर काम करना चाहता है उसको 100 दिन का काम देना। लेकिन काम अब कैसा सरकार हो? सरकार काम दे सकती है। काम कैसा पूरे देश में जो जितने भी नदियां हैं उनको जोड़ करके अगर पूरे देश में देश की 4 प्रमुख समस्याओं का एक साथ समाधान हो सकता है, अकाल, बाढ़, सिंचाई और पेयजल। बिल्कुल। और उसके लिए पूरा देश की सरकार प्रोजेक्ट बनाए, कोई राज्य सरकार नहीं बना सकती, केंद्र सरकार बनाए, उसका चाकआउट करे और हर ग्राम पंचायत में आज गड्ढे खुदाने के बजाय अगर नहर खुदाएगी तो उस गांव का नरेगा का मजदूर तो नहर खोद देगा, अगर सरकार अपनी कब्र खुदा दिए तो वो खोद देगा। तो लेकिन ये सरकार को प्रोजेक्ट बनाना, जब सरकार ने कानून बना करके हर ग्राम पंचायत में जो भी काम मांगेगा उस परिवार को 100 दिन का काम का अधिकार दिया है तो निश्चित रूप से उसको बेहतर रूप से काम लेने का काम सरकार का है, उस नरेगा में जाने वाले मजदूर का नहीं है। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2008 में जब पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ, राजस्थान पहले नंबर पे था और आज नीचे से नंबर आता है, क्योंकि ये वर्गीय दृष्टिकोण से भी है। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं वो नहीं चाहते कि गांव के गरीब को यह मिले, क्योंकि निश्चित रूप से जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं समझता हूँ इसमें 90% न केवल राजस्थान बल्कि देश में नरेगा में मजदूरी पे जाने वाली 90% महिलाएं हैं। और इस देश में पहली बार उनको एहसास हुआ कि मैंने मेरी मेहनत से जो पैसा लिया है वो मैंने अपने खाते से निकलवा करके पहली बार खर्च किया। तो सबसे बड़ा जो महिला सशक्तिकरण का वो ये इसके माध्यम से। अब ये बात इसमें कमजोरियां खामियां, लेकिन कुल मिलाकर के वर्गीय दृष्टिकोण से जो खाते पीते लोग हैं वो नहीं चाहते कि नरेगा चले, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहता। भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें भ्रष्टाचार? पानी में भ्रष्टाचार है तो वाटर हाउस बंद कर देंगे कल। माइनिंग डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पकड़ा गया तो माइनिंग डिपार्टमेंट कल बंद कर देंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज की तारीख में राजस्थान का नंबर पीछे ही है और एक नंबर पे 88 दिवस का सबसे बड़ा काम किसी को यूटिलाइज किया है तो वो है त्रिपुरा। जो सबसे बेहतरीन इसको राज्य सरकार भी, लेकिन उसके साथ भी बजट की कटौती की जा रही है, पैसे का पेमेंट नहीं किया जा रहा। इसलिए नरेगा, अगर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भाषा नरेगा को लेकर के पार्लियामेंट में कही, अगर उनमें हिम्मत थी तो बंद करके बताएं। लेकिन बंद की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन वैसे बंद करने का काम कांग्रेस और भाजपा करेगा तो बंद नहीं हो, लेकिन ये जो जितने भी औद्योगिक हैं वो सारी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। नहीं, नरेगा के कारण नहीं हो रही है। नहीं, उनकी बात मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। सवाल दूसरा है ये कि जो औद्योगिक इकाइयों की जो स्थिति है देश में, राजस्थान में देख लीजिए स्पिन फेड की जो तीनों इकाई थी, तीनों इकाई बंद हो गई जुलाई से बिल्कुल, और भी जो नई जो फैक्ट्रियां वो लग नहीं रही हैं, तो आखिर रोजगार के संकट तो रहेंगे। ऐसी स्थिति में माकपा की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि जब मजदूर ही नहीं रहेंगे तो माकपा का वर्चस्व, सीटू का वर्चस्व कहां से रहेगा? नहीं, मजदूर कहीं ना कहीं अपना श्रम बेच के तो काम चलाएगा, असंगठित नहीं है तो वो असंगठित में कहीं भी मजदूरी करके चलाता है। ऐसा नहीं है कि केवल मजदूर कारखाने का मजदूर ही होगा, मजदूर तो सर्वहारा का मतलब जिसके पास उत्पादन के कोई साधन नहीं है। और ये नीतियों से है, मतलब सवाल स्पिन फेड का ही नहीं है। अब आप देखिए देश की इंश्योरेंस सेक्टर जो सबसे ज्यादा मुनाफा है उसको भी प्राइवेट सेक्टर में देंगे, बैंक कहीं घाटा नहीं है उसको प्राइवेट में देंगे। मतलब सरकार की नीयत यह है कि अब सरकार कोई भी काम नहीं करेगी, सरकार लूटने वालों की सुरक्षा करेगी। स्पिन फेड मानगढ़ की ये दागा मीन उन बाकी से बहुत बेहतरीन स्थिति, बहुत बेहतरीन स्थिति में थी, लेकिन सरकार को बंद करना है और ये सब उनके हवाले करना है। इसलिए ये हालत निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक, जिसको आप कहते हैं ये जो नीतियां हैं, कारखाने बंद हो रहे और उत्पादन में लगाने की बजाय सट्टा मार्केट में लगाने का काम करते हैं, क्योंकि ये नीतियां आने के बाद सट्टा मार्केट से आप कोई भी कंपनी बंबई में बैठकर पूरे हिंदुस्तान की 4 कंपनियां मिलकर के दलहन की
80% होल्डिंग कर सकती है, फिर मनमर्जी से 60 रुपए वाली दाल 210 रुपए में बेच सकती है, फिर क्यों कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे। तो इस सट्टे को जब से वित्तीय पूंजी आई है निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन में लगानी। और ये जो सब कुछ प्रक्रियाएं की जाए, जैसे नोटबंदी का है, नोटबंदी से सबसे ज्यादा कोई हुआ है तो छोटा जो उद्योग था वो बड़े उद्योगों के लिए बंद किया जा रहा है। आज भी जो मास्क की लाइसेंस की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि बड़ी कंपनियां पैटी पैक पैक मास्क बेचती है, इसलिए छोटा कोई व्यापार करता है, छोटा कोई खुदरा व्यापार करता है, ये बंद हो जाए और बड़ी कंपनियां उसको पैक दे। तो ये सब हर निर्णय देश की और प्रदेश की सरकार का हर निर्णय उन बड़ी कंपनियों के पक्ष में है, चाहे वो कहीं भी ले लें, आज उद्योग में ले लें, व्यापार में ले लें, ई टेंडरिंग ई ये सब बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियों को मंडी चलाने का राइट दिया जा रहा है। यानी कुल मिला किया कि सरकार आपको खूब काम दे रही है, विरोध प्रदर्शन करने का जो आपका काम है। नहीं, विरोध तो निश्चित रूप से हालत ये है कि न किसी को रोजगार मिलेगा, न किसी की खेती बचेगी, न किसी का रोजगार बचेगा, मतलब न कारखाने का बचेगा, और वो उनको भी मैदान में आने वाले मजदूर को नहीं आना पड़ेगा। भाजपा की सक्रियता बढ़ेगी कुल मिलाकर, निश्चित रूप से बढ़ेगी। और ये छोटे छोटे उद्योग हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मजदूर ही किसान ही मैदान में आएगा, जिसका रोजगार जाएगा, जिसकी फैक्ट्री बंद, जिसका नुकसान होगा वो आएगा। वो छोटा व्यापारी को भी, छोटा पूंजीपति को भी इस मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले सब कुछ हो जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी।